Important types of functions. Important types of functions, their domain, and range. ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं भैया, एकदम स्टैंडर्ड, जिनकी मैं बात करूं रटे होने चाहिए, मतलब बिल्कुल इनकी क्वालिटी, इनके ग्राफ, इनके डोमेन, इनकी रेंज, अगर याद नहीं है तो फिर समस्या हो जाएगी थोड़ी सी। वैसे आर्यन जी आप क्यों नहीं बता पा रहे थे इसकी रेंज? मेरा क्वेश्चन अलग था, मैंने ये नहीं पूछा आपने हाथ उठाया था नहीं उठाया था, मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं बता पा रहे थे इसकी रेंज। क्या है इसकी रेंज? ओपन क्लोज तो क्या कंफ्यूजन था आपको जो आपने हाथ खड़ा नहीं करा था पहले? नीचे से ऊपर वाला कंफ्यूजन था तुम्हें? उम्र का भी लिहाज नहीं कई लोगों को भी, कमाल है सर। फर्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन सबसे शुद्ध फंक्शन है भाई, हाल ही में हमने बात भी करी इसकी। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म ए नॉट एक्स रेस टू पावर एन, ए वन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू ए एन, वेयर ए आई बिलोंग्स टू आर, एन बिलोंग्स टू होल नंबर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पॉलिनोमियल एन एक्स, ठीक है, एंड इफ ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, then degree of this polynomial is equals to n। तो बात की बात है ना, अगर a नॉट जीरो नहीं तो फिर इस पॉलिनोमियल की डिग्री n कहलाती है। देखो भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो सबसे सिंपल टाइप का फंक्शन है, सबसे शरीफ। इसमें एक्स की सारी पावर्स खूबसूरत है, ठीक है। मेरा इंटेंशन ये जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन लिखाने का है उसमें दो तीन चीजों का है। एक, उनकी स्टैंडर्ड डोमेन पता हो, उनकी रेंज पता हो, और अगर कोशिश करें ग्राफ बना सके तो। बट पॉलिनोमियल फंक्शन तो बहुत तरीके के हो सकते हैं ना, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, सही है। उनके ग्राफ भी अलग अलग तरीके के हैं तो उनकी रेंज भी अलग अलग, लेकिन उनमें एक बात कॉमन है, क्या? डोमेन। डोमेन विल ऑलवेज बी एक्स बिलोंग्स टू, क्यों? क्योंकि x की सभी पार खूबसूरत है। दिक्कतें कब आनी चालू होती है? जब पार स्क्वायर रूट्स में हो। अगर कहीं पे x पे स्क्वायर रूट चढ़ा हो तो उस x के अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है कि भैया मैं नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कुछ इन बातें समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही। कभी x की पार कोई नेगेटिव हो गई
तो एक्स की ख्वाहिश से पैदा होती है कि मैं जीरो नहीं हो सकता क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में पहुंच गया। लेकिन यहां एक्स की सभी पार्ट्स खूबसूरत है। क्लियर है? तो डोमेन इज एक्स बिलोंग्स टू आर। डोमेन है जो मैं पॉलिनोमियल के लिए स्टैंडर्ड तरीके से बोल सकता हूँ, रेंज और ग्राफ में मैं कमेंट नहीं कर सकता जब तक मुझे पर्टिकुलर पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा। जब तक मुझे जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर किसी ने दे दिया तो रेंज मैंने बोल दी, अपर अगर ऊपर की तरफ बना तो क्लोज माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी, अभी बताई ना, मैं बोल सकता हूँ। क्यूबिक मिला तो कुछ और रेंज आएगी जो भी है, तो वो तो पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल डिफाइन करता है। कुछ खूबसूरत चीजें जो पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में मुझे याद होनी चाहिए। नोट फर्स्ट, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यू। भैया सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस जो है वो कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब उनका ग्राफ कभी टूटेगा नहीं, ठीक है? उनके ग्राफ जो है हमेशा हमेशा, एक्स बिलोंग्स टू आर डोमेन भी है, आप हर वैल्यू रखते जाइए, वैल्यू मिलती जाएगी, ग्राफ बनता जाएगा और वो कनेक्टेड ग्राफ रहेगा, कभी कुछ टूटता वूटता नहीं क्योंकि सबसे सिंपल ग्राफ है। सेकेंड इंपॉर्टेंट, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन विद नो कॉन्स्टेंट टर्म आपकी बढ़ाई कर दी, आपने राइटिंग खराब कर ली। ऐसे थोड़ी होता है, कोई कई लोगों को बढ़ाया भी नहीं सुहाती, ये चीटियों की तरह क्या लिख रहे हो आप, खुद को समझ आ जाएगा कल क्या लिखा है, पढ़ के दिखाओ उससे प्रोय लाइन, इससे ऊपर वाली लाइन बोला मैंने, तुम्हें पता ही नहीं ऊपर वाली कौन सी है। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस, जब फंक्शन मैंने लिखा ही नहीं तो खा गया तुम्हें। सॉरी, अभी क्या चल रहा है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन विद नो कॉन्स्टेंट टर्म इज कॉल्ड ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। यार ये बढ़िया चीज, ये एक नया नाम आया, एक नया नाम आया। देखो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, अगर ए जीरो नहीं है तो ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? है ये पॉलिनोमियल कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। है? नहीं सुनो, एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पे ए जीरो नहीं है, ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा भाई? क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो जो नोट हमने लिखा ना, हम उससे क्या एक स्टेप ऊपर बढ़ गए, एक स्टेप हमने लिखा ऑड लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है? और मैंने उसे जनरलाइज कर दिया ऑड पॉलिनोमियल्स के लिए, ठीक है? देखो सुनना ध्यान से, मैंने क्या नोट लिखा भाई, अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म ना हो, क्या ना हो? कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म भी एक्स की एक पार रखती है, उसे बोलते हैं एक्स की पार जीरो का कोफिशिएंट। कभी कभी जरूरत पड़ने में पूछ लेते हैं, एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट जो कि वन बन गया तो कांस्टेंट बची, यही यही रहना है। अच्छा एक्स की पावर जीरो देखना जरा, बी एक्स की पावर जीरो, जीरो मतलब इवन ऑड, इवन तो ये एक इवन डिग्री की टर्म होगी एक तरह से, कौन सी टर्म हुई? इवन डिग्री। इसके हटाने के बाद इस लीनियर पॉलिनोमियल में एक्स की सिर्फ ऑड डिग्री बची रही, तो नाम पड़ा ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। थोड़े बड़े हो जाएंगे तो एक्चुअल वैल्यू भी पता पड़ जाएगी बाय ऑड,
ऑड क्यूबिक, किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भैया एक ऑड क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑड क्यूबिक? क्यूबिक तो है ही, अरे क्यूबिक तो है ही, लेकिन उसमें एक्स की इवन पावर्स एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि डी एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब हो गई और डी वाली कॉन्स्टेंट वाली टर्म गायब, दो टर्म बची भाई, ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स, नहीं आ रहा समझ में, इसको नाम दे दिया भैया ऑड क्यूबिक पॉलिनोमियल। फायदा देखो भाई, अगर किसी ने क्यूबिक पॉलिनोमियल अज्यूम करने को बोला तो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए आपको चार अननोन निकालने पड़ेंगे, ए बी सी डी, तब आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल तैयार होगा। बात को समझो, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को निकालने के लिए आपको चार चीजें निकालनी पड़ेगी, जिसके लिए उसे चार कंडीशन देनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन की शुरुआत में बोल दिया कि भैया आई एम हैविंग एन ऑड क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वो दो ही कंडीशन देगा। स्मार्ट है ना वो, क्यों? क्योंकि दो ही जरूरत है भाई, और दो की जरूरत है तो दो कंडीशन। अगर आपको दो अननोन निकालने हैं तो उसे कितनी कंडीशन देनी है? दो, उसने दो ही दी, अब आप चार वाला लिख के बैठे तो फिर झुंझुना बजा लो, कुछ नहीं आना, आया कहां से, नहीं आना समझ। ऑड क्यूबिक पॉलिनोमियल है ही, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल अगर उसने बोल दिया तो ऑड लीनियर पॉलिनोमियल इज एफएक्स बराबर एक्स, अब वो ए की कंडीशन देगा आपको किसकी वैल्यू निकालने के लिए, ए की वैल्यू निकालने लगे। अब आप अपनी बुद्धिमानी से निकालो भाई, कॉन्स्टेंट तो है ही नहीं, समझे क्या? छोटी छोटी चीजें हैं। सेकंड थर्ड देयर एग्जिस्ट ओनली टू पॉलिनोमियल फंक्शंस सेटिस्फाइंग देयर एग्जिस्ट ओनली टू पॉलिनोमियल फंक्शंस सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाय एक्स इज आर, इज थोड़ी आएगा, आर आना चाहिए, दो है ना, आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस एक्स रेज टू द पावर एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस एक्स रेज टू द पावर एन, ये अच्छी चीज है भाई, नाइस। दुनिया ने क्या बोला भाई कि इस तरह के दो ही पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकते हैं, किस तरह के, जो इन्हें सेटिस्फाई करें, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाय एक्स, कंडीशन है बेसिकली। अभी थोड़े लेक्चर्स के बाद आप एक चीज पढ़ेंगे, फंक्शनल इक्वेशन, ये इट्स अ फंक्शनल इक्वेशन। जब हम छोटे थे तो हमने सुना एलजेब्रिक इक्वेशन, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एक्स, बचपन में फाइंड एक्स, ये तो चल रहा है कब से हमारी जिंदगी में, यही चल रहा है फाइंड, सेवंथ क्लास एट्थ क्लास है जब से एलजेब्रा इंट्रोड्यूस हुई होगी तब से हमारी जिंदगी में एक ही चल फाइंड एक्स, आज तक नहीं मिला, आज तक तलाश फाइंड एक्स, वो तो हुई एलजेब्रिक इक्वेशन। थोड़े बड़े हुए लॉगरिथमिक इक्वेशन, क्या हुआ, लॉग इन्वॉल्व हो गए। थोड़े और बड़े हुए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्या हुआ, साइन कॉस टेन आ गए हैं। अब बहुत बड़े हो गए फंक्शन, बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जनरलाइजिंग द थिंग, फंक्शन कैन बी ट्रिग्नोमेट्रिक, फंक्शन कैन बी लॉगरिथमिक, फंक्शन कैन बी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, देन वी विल से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, चेंज हो रही ना, अरे भाई बेस लाइन चेंज हो रही, बस और कुछ नहीं, बाकी दुनियादारी वही है, अननोन निकालना है, मुद्दे का काम वही। अब यहाँ अननोन फंक्शन है,
हमने क्या बोला भैया, इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले दो ही पॉलिनोमियल हो सकते हैं, डिक्लेयर कर दिया हमने। अब ऐसे ही तो डिक्लेयर नहीं कर दिया होगा, प्रूफ भी क्या हो किसी ना किसी ने तो, है ना। अगर कोई पूछ ले कि भैया प्रूफ क्या है, कहाँ से आया, तो हमने बोला लेटो, फिर अब और क्या करोगे, पॉलिनोमियल तो मानोगे ना भाई। उसने बोला ना पॉलिनोमियल फंक्शन फाइंड करो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता। कंडीशन लगानी भी तो आनी चाहिए भैया। मैंने बोला लेट एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल माना, कैसे माने बोलो, ए नॉट, जल्दी जल्दी बोला करो यार, एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू ए एन। मैंने एक पॉलिनोमियल मान लिया भाई, इस पॉलिनोमियल पे क्या लगाऊं, फंक्शन इक्वेशन कंडीशन लगा दो भैया, सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तो इस कंडीशन को लगा देते हैं। इंटरेस्ट किसमें है, क्या निकालने में, हाँ एफ एक्स है तो एफ एक्स कब निकलेगा, जब ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए वन ए फोर से लेके ए एन तक की वैल्यू मिल जाएगी, तो फंक्शन मिल गया। अरे यार इस पॉलिनोमियल फंक्शन को, अभी मैंने इस पॉलिनोमियल फंक्शन को माना, इनमें अननोन कौन है, कॉफिशियंट्स है भाई, अगर मुझे कॉफिशियंट्स मिल गए तो मेरा फंक्शन बन गया। एक्स अननोन है, नहीं एक्स नहीं होता अननोन, क्योंकि अगर एक्स ही निकाल ले तो फंक्शन कद्दू बचा, फिर फंक्शन एक्स का ही तो है, जब तक एक्स है तब तक ही फंक्शन है भाई। अगर आपने एक्स ही निकाल लिया तो पॉइंट आ गया, एक्स नहीं निकाला जाता, अननोन इज नॉट एक्स, अननोन कौन, कॉफिशियंट। आप कॉफिशियंट बता दो हमें, पॉलिनोमियल पता पड़ जाएगा, क्लियर है। चलिए तो मेरे को ए नॉट से लेके ए एन तक की तलाश थी, मैंने उठा के कंडीशन लगा दी, है ना। क्या ये पहली बारी बता रहा हूँ मैं आज तक इतिहास में प्रूफ, क्योंकि लोग लायक ही नहीं होते, लोग मुझे अभी भी लायक नहीं लग रहे, बट अब ठीक है चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई ना कोई तो लायक मिलेगा, उम्मीद पे दुनिया कायम मैडम, क्या करें। लो भाई लगा रहे हैं, लेफ्ट साइड में बोलो क्या लिखना है, ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन प्लस, जल्दी जल्दी बोलो यार, ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू ए एन। इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, इसमें मेरा इंटरेस्ट है एफ ऑफ वन बाय एक्स, जितने लोग बोल सकते थे तो बोलो ए नॉट बाय एक्स की पावर एन, ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है। क्या करा, कैसे आया, तेज बोल, एफ की जगह वन अपॉन एक्स रख दिया तो कट जाएगा, वन आएगा गेल चिप्पी, हाँ एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह वन बाय एक्स रखा तो एफ ऑफ वन बाय एक्स मिल जाएगा। अरे यार जब मुझे एफ एक्स पता है तो मैं एफ टी भी निकाल सकता हूँ, एफ डब्ल्यू भी निकाल सकता हूँ, एफ मसाले भी निकाल सकता हूँ, तो एफ ऑफ वन बाय एक्स भी तो निकाल सकता हूँ। एफ ऑफ वन बाय एक्स मतलब क्या हुआ, एक्स की जगह क्या रख दो, वन बाय एक्स, तो सब जगह रख देते हैं, हला नहीं आ रहा समझे। लो जी साहब ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन प्लस आगे ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू ए एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करना है, प्लस कर दो, नहीं समझ में आ रहा है, ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन ए एन प्लस ए नॉट एक्स बाय एक्स रेज टू पावर एन से लेके ए एन। बोलो समझ में आया नहीं है, हैं बोलो यार। अब क्वेश्चन मेरे से ये कह रहा है कि भाई लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, बराबर है। अब बराबर का मतलब क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी था आज। बराबर का मतलब होता है बराबर, असली वाली बात नहीं, वास्तव में होता है, तुम्हें नहीं पता था ना। हाँ बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर, तो बराबर मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड वास्तव में बराबर है बे। बस तू रे यार, अब वास्तव बराबर होने का क्या मतलब है कि एक्चुअल बराबर आएंगे। तो बराबर कब आएंगे, जब इनके सारे कॉफिशियंट बराबर हो, सारे साइड कॉफिशियंट, सारे कॉफिशियंट जो है वो बराबर हो, डिग्री भी बराबर हो। अच्छी बात कही मिकी माउस ने बहुत दिनों बाद। तो लेफ्ट साइड की डिग्री देखो, हाईएस्ट एक्स,
अब देखो हाईएस्ट डिग्री कब आती है, हाईएस्ट डिग्री लेफ्ट साइड क्या है कि दो पॉलिनोमियल्स को प्रोडक्ट लिखा होगा, दो पॉलिनोमियल्स को। अब प्रॉब्लम कहाँ आई, प्रॉब्लम आई फिर वही सात की आठ, सारे पाप अपन ने सात की आठ बढ़ा रखे हैं। और दिक्कत क्या है, अंत में मास्टर ने टिक करा लिए थे, बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे ज्यादा हमने पढ़ा ही नहीं, समझ तो समस्या जो है वो सात की आठवीं में बसी हुई है साला, प्रोडक्ट ही नहीं करा कभी हमने, दो पॉलिनोमियल लिख के मल्टीप्लाई करा साला, नहीं करे ना। ये कितने लोगों को आता है, चलो सच से बताना, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ऐसे इनको मल्टीप्लाई करना वास्तव में ईमानदारी से कितने लोगों को आता है। देखो आकाश जी ने अभी भी याद खड़ा नहीं करा, ये तुम्हें पक्का दुश्मन है भाई साहब, 20 मिनट याद खड़ा कर रहा है, ये प्रिया प्रकाश जैसे कर रहा है, गेल सिप पे ये अलाउड नहीं है ये सब। हाँ कितने डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा मैडम साहब, ये दलाल साहब कितने डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा इनको मल्टीप्लाई करने पे, सर डिग्री मैक्सिमम ही होती है, मैंने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा था, मैं बदल औकात ही क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ सवाल 4 बोला है इन्होंने, सही है, इसका मतलब ये इस बात को भली भांति जानते हैं कि एक्स की हाईएस्ट डिग्री और हाईएस्ट डिग्री को मल्टीप्लाई कर दूं तो हाईएस्ट डिग्री आ जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं हाईएस्ट हाईएस्ट मल्टीप्लाई करूँ, ये कमाल की बात है, इसमें हाईएस्ट कांच लगा के देखनी पड़ेगी। क्या है इसमें हाईएस्ट, यही है जो लोएस्ट डिग्री है, ये हाईएस्ट है क्योंकि माइनस है ना इनके पास, दिस इज द हाईएस्ट, तो कितनी 0, और इधर एक्स की पावर तो मल्टीप्लाई करने पे एक्स की क्या मैंने कहा हाईएस्ट, और इधर एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, ये रही एन, टू एन का ये एलसीएम थोड़ी लोग गेल चिप्या, फिर तो वो तो यही कर लेते पागल हो गए बिल्कुल, एलसीएम थोड़ी लोगे एक्स की पावर एन ही हाईएस्ट, ठीक है तो डिग्री सेम है, अब कॉफिशियंट बराबर कर दो बस। अब कॉफिशियंट कैसे कंपेयर किए जाते हैं, ये सबसे अच्छी चीज इसलिए कराई एग्जाम में, तो मैं कराता नहीं बस, एक्स की पावर एन का कॉफिशियंट ढूंढते हैं भाई, एक्स की पावर एन का कॉफिशियंट, अभी मैंने दलाल साहब से पूछा था, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा वैसे, लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर 4 का कॉफिशियंट 3 है, बिना मल्टीप्लाई करे पता पड़ गया, इसे पढ़ाई कहते हैं, एक्स की पावर 4 का कॉफिशियंट वहां पे 3 आएगा, क्यों, क्योंकि वो बनेगा ही तब जब वो इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ एक्स की पावर एन का कॉफिशियंट किसी ने मेरे से पूछ लिया, ए नॉट इंटू, ए नॉट इंटू क्या बोल रहा है आगे तू, ए एन ही नहीं सुना इधर इसका तो, ए नॉट इंटू ए एन, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर एन बनेगी, और इसके अलावा एक्स की पावर एन कभी नहीं बन सकती भाई साहब, बोलो मानते हो कि नहीं मानते, बनी नहीं सकती इसके अलावा एक्स की पावर एन, पक्का, देखो इससे पिछली टर्म बताया किसी को, इससे पिछली मान जाऊंगा मैं तो अगर बोल दे तुम, ए एन माइनस वन अपॉन एक्स, परफेक्ट है, हैं? तो ये किसी से मल्टीप्लाई होकर एक्स की पावर एन बनाएगा नहीं, तो छोड़ो फिर टच कैंसिल करें, यही है इज इक्वल्स टू राइट साइड बोलना ए नॉट, समझ रहे हो, हैं? दिल तो कर रहा है नहीं कर रहा है बजाने का, हैं? बाजी लेकिन ऐसे बजाते नहीं, कॉफिशिएंट तो निकालना है, ऐसे नहीं बजाते, ऐसे कट रहे नहीं, नहीं बजा दे, बजाएं क्या, ऐसे नहीं बजाते, गलत बात, दिस इज बैड हैबिट, क्या करो इज इक्वल्स टू 0, ले आए आई हैव प्रिविलेज बे, ले आए ना, पता नहीं पड़ा ना वो क्या इक्वलिटी के घटा दी माइनस हो गया, इधर ले आए ना, अब ए नॉट कॉमन इंटू ए एन माइनस वन बराबर 0, सिवा का टूथपेस्ट इक्वल्स टू 0 लिखा होता है ना, तभी ये प्रिविलेज होता है कि राम इंटू श्याम बराबर 0, तो या तो राम 0 या फिर श्याम 0, ऐसे नहीं यहाँ कोई गंजाम लाल बैठो तब भी कर दो, ये प्रिविलेज सिर्फ 0 के पास है, ऐसे मत क्या करो यार, तुम्हारे जैसे लोग करेंगे तो क्या हो जाऊँ कहाँ, मेरे को तो जगह ही नहीं मिलेगी कहीं, ए नॉट बराबर 0 या फिर ए एन बराबर, नहीं तो कुछ समझना नहीं चाह रहे तुम, ए एन बराबर, ये 0 नहीं हो सकता भाई, मस्ती थोड़ी चल रही कोई, हाँ हाँ काट देते, मैं तो काट ही देता, गरीबों की तो चिंता रहती मेरे को, ये 0 नहीं हो सकता, क्यों, पॉलिनोमियल तो बना लो भाई,
पॉलिनोमियल तो बनाओ, ऐसे तो सारे जीरो हो जाएंगे फिर। ए नॉट नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए एन की वैल्यू कितनी आ गई? उस पहली बार में आ गई ए एन की वैल्यू 1। हाँ, मंजिल के नज़दीक है। मंजिल वैसे ही बहुत आसान है क्योंकि बाकी सारे तो जीरो नहीं है। अरे सारे जीरो ने आगे वो देखोगे, एक्स की पावर एन माइनस वन, बस एक और करके बता रहा हूँ, उसके आगे खुद करोगे। एक्स की पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट कंपेयर करने को बोल दिया भाई साहब, किसी ने पसीना आ गया हमारे तो। एक्स की पावर एन माइनस वन देखो कैसे बनेगा, टाणा बोला एक्स की पावर एन माइनस वन बना कि नहीं बना? यार फास्ट बोला करो यार। ए वन इंटू एन पेलास और बनाया और ला रा 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 रा। अब समझ में आ जाएगा आपको क्यों लिखा था मैंने, ऐसे मस्ती में नहीं लिखता मैं कुछ भी, जरूरत होती तो ही लिखता हूँ, इसकी जरूरत पड़ी ना। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर एन माइनस एन बनाएगा, बनाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो क्या बना, ए नॉट इंटू ए एन माइनस वन इज इक्वल्स, इसके अलावा एक्स की पावर एन माइनस एन नहीं बनेगा। आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लेना, 10-20 साल लगेंगे मल्टीप्लाई करने में, कर लेना ठीक है। इधर एक्स की पावर एन माइनस एन का कोएफिशिएंट ये रहा ए वन, बोलो सही है नहीं है? हैं? दिस इज व्हाट वी कॉल फैंसी बाजे बाजे। ये ए एन के लिए बने रहे भाई, ए एन के लिए बने नहीं लिखी तो ए वन, ए वन कॉल है ए नॉट इंटू ए एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सिवा का टूथपेस्ट, जब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो होता है तो दोनों में से किसी एक को जीरो होने का अधिकार है। ए नॉट के पास गए साफ मना, ना जी ना, तो फिर किसको जीरो होना पड़ा? ए एन माइनस वन को जीरो होना पड़ा। इसी तरीके से जब आप करेंगे तो बाकी सारे भी जीरो होंगे होंगे होंगे, विश्वास और आस्था भाई। आखिरी में जब आप कॉन्स्टेंट टर्म मैच करा रहे होंगे, कौन सी कॉन्स्टेंट, तब आपको मिलेगा ए नॉट स्क्वायर बराबर 1, यानी कि ए नॉट बराबर प्लस माइनस। तो जब आप यहां प्लस माइनस 1 रखेंगे तब जाके आपका ये फंक्शन तैयार होगा। ये उन दिनों की बात है जब जेई में क्वेश्चन छोड़ने के लिए बना करते थे, तब ये 10 नंबर का आया था, तब ये पहली बार पूछा गया, तो उससे पहले पढ़ाया नहीं जाता था ना, उसके बाद पढ़ाना चालू किया गया, तो फिर तो फट ली होगी लोग। ठीक है क्या?